चलो बनाए मिट्टी सोना के बारे में हम लोग बात करते हैं। आज के खेडूत, आज के किसान भाई इसकी पूरी जानकारी रखते हैं और अपने मिट्टी से कैसे सोना निकालना जाता है वो अच्छी तरह से जानते हैं। हम खुशनसीब हैं प्रीमियर इरिगेशन से कि हमारे साथ ऐसे किसान भाई जुड़े हुए हैं। तो किसान भाइयों, आज हम एक मजेदार क्रॉप के बारे में जानकारी लेंगे। मैं खड़ा हूँ सुरेंद्रनगर जिले में। सुरेंद्रनगर जिले में एक नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 8। नेशनल हाईवे नंबर 8 में करीबन 20 से 25 किलोमीटर के रेंज में दोनों तरफ सौंफ की खेती होती है। मेरे साथ रसिक भाई हैं। रसिक भाई इनके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। इस सौंफ की खेती में पानी का क्या यूज़ होता है, कैसे ड्रिप लगाते हैं लोग, कुछ फार्मर से भी हम मिलेंगे और इस सौंफ का जो खेती है इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे। जी नमस्कार। तो अभी हम देख रहे हैं एक सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट का सायला तालुका का एक फार्म पे, जहाँ पर सामजी भाई का ये फार्म का नाम सामजी भाई है, फार्म मैनेजर, फार्म का क्या फार्मर का नाम। तो यहाँ पे हमने 2 साल पहले ड्रिप लगाई थी। जिस दिन हमने ड्रिप लगाई तब वो फार्मर ने कॉटन के लिए लगाया था, कपास के लिए। कपास में जो ड्रिप लगाई वही ड्रिप वो जो रवि सीजन बोलते हैं, रवि सीजन में मतलब दिवाली के बाद जो लगता है सौंफ लगता है, उसमें सेम ड्रिप लाइन यहाँ पे यूज किया जाता है। सौंफ का क्रॉप लगता है लगभग अक्टूबर के शुरुआत में और 4-4.5 महीना तक चलता है। मतलब अभी ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये हार्वेस्टिंग स्टेज तक, मेच्योरिटी स्टेज आ गया है। अभी 15-20 दिन तक और चलेगा, उसके बाद इसका हार्वेस्टिंग किया जाएगा। जो ड्रिप लाइन हम कपास में यूज करते हैं, कॉटन में यूज करते हैं, वही ड्रिप लाइन यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। उसी ड्रिप लाइन का यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रिप इरीगेशन के अंडर में ही ये क्रॉप लगाया हुआ है, जिसकी हाइट आप देख सकते हैं कि लगभग 5.5 से 6 फीट तक का हाइट हो चुकी है। बहुत ही अच्छा क्रॉप लगाया है, जिसका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छा है। और इस क्रॉप को ड्रिप इरीगेशन के अंडर में लगाने के फायदे ये है कि इसमें पानी भी बहुत कम लगता है और इसका प्रोडक्शन भी बहुत ही अच्छा आता है, प्रॉफिटेबल क्रॉप है। तो हम भला आपको बताते हैं कि ये क्रॉप लगाने से फार्मर का जो प्रोड्यूस है, प्रॉफिटेबिलिटी है पर एकड़ का, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। लोग अभी खड़े हैं राजू भाई व्यास जी के खेत में। राजू भाई नमस्कार। नमस्कार सर। राजू भाई आपके खेत में मैं देख रहा हूँ सौंफ की खेती हो रही है। हाँ जी। तो ये कितने बीघे की खेती है? 5 बीघे की खेती है सब, ये लगाई हुई 5 बीघे की खेती है। ये कब आपने शुरू किया था, कौन से महीने में? सितंबर अक्टूबर में समर लमसम किया। सितंबर अक्टूबर, दिवाली से पहले, दिवाली के बाद में समर, दिवाली के आसपास आपने शुरू किया था। हाँ जी। कितने महीने का क्रॉप होता है ये? 4-5 महीने का। 5 महीने का क्रॉप होता है। 5 महीना मतलब 150 दिन का क्रॉप होता है। तो 5 बीघे में आपने बियरन कितना किया था, मतलब सीड कितना दिया था? वो समझ लो लमसम बीघा में हमने 500 ग्राम दिया था। एक बीघा में 500 ग्राम आपने सीड दिया। तो 5 बीघा में 2.5 किलो के करीब लगता है। सीड कहाँ से लेते हैं? एग्रो है ना, सामुड़ा एग्रो। ये पैकेट में बिकता है, इसका सर्टिफाइड सीड बिकता है? हाँ सर्टिफाइड। अच्छा, कितना दाम होता है सीड का? वो तो समझ लो 650 रुपया लिया था। 650 रुपया 500 ग्राम। 500 ग्राम। अच्छा जी। तो 5 बीघा में आपका खर्चा, मोटा मोटा खर्चा कितना हो जाता है? लमसम 25,000 समझ लो। 25,000 में पूरा आ जाए, 25,000 में हो जाता है। मेजर कॉस्ट क्या है इसका, मेन खर्चा क्या क्या आता है इसमें? उसमें समझ लो खेती से लगाने का, बीज लगाने का, दाड़िया बना के, मजदूर बना के, और तो कुछ रहता नहीं है। और अगर मान लो उसमें कुछ खड़ हुआ तो खड़ को निकालने का। अच्छा, वीड को निकालने, वीड को निकालने का, और कुछ नहीं। इसमें कीड़ा नहीं लगता है? नहीं, कीड़ा अभी तो लगा नहीं है, इस बार तो कुछ नहीं लगा है। इसमें स्प्रे का जरूरत होता है क्या? कभी कभी होता है। अच्छा, और इसमें 5 बीघे में आपको कितना मन? 70 मन निकलेगा। 1,22,500 का मैं अगले बार निकाला। मतलब खर्चा छोड़ के कि खर्चा को लेके? खर्चा उसमें से बात कर देना 25,000 रुपया। मतलब एक 5 बीघे में कि 1 बीघे में? 5 बीघे में। 5 बीघा का, 5 बीघे में 70 मन निकला था मेरे। 70 मन निकला था। निकला था। और 1 मन का दाम कितना है? 1,750 रुपया। 1,750 रुपये। तो 70 मन में 1,22,000-23,000 के करीब हो रहा है, करीब हो गया। और तीसरा का खर्चा है? 30,000 का समझ लो लमसम खर्चा, पकड़ 25,000-30,000 का जो भी। तो इसमें 90,000 का 5 बीघा में प्रॉफिट है? प्रॉफिट है। 5 महीने में? 5 महीने। तो आप, मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पे फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं। हाँ जी सर। तो फ्लड इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन में इनका हाइट क्या सेम रहता है कि हाइट में थोड़ा उसमें ड्रिप इरिगेशन अच्छा रहता है, उसमें हाइट थोड़ा ज्यादा होता है? ज्यादा होता है। और तो उसमें अगर हाइट ज्यादा होता है तो उसका यील्ड भी ज्यादा होता है? हाँ, हो जाएगा।
कितना मोटा मोटा कितना अंतर होगा इसमें? जैसे 70 मन हो रहा है, हाँ, तो वहाँ पे ड्रिप करने से कितना मन 80 या 85 90 समझ लो, उसमें क्या है खाद का जो है ने उत्पादन देता ज्यादा और खाद का जो है ने कॉस्ट बच जाएगी, कॉस्ट बच जाती है और आपका उत्पादन भी थोड़ा बचता है, बचता है, पानी भी थोड़ा कम लगता है, पानी भी कम लगता है, मजूरी कम लगती है, लमसम समझ लो मजूरी भी कम लगती है, और नाइट में होता है समझ लो पानी उसमें निकालना पड़ता है और उसमें खाली वाल चेंज कर दो तो अपने आप पी जाएगा। बढ़िया, बहुत ये बढ़िया है। तो इस गांव में कितने फैमिली हैं? उस गांव में तो समझ लो लमसम 6000 है बस, 6000 फैमिली, 6000 और 6000 फैमिली में सौंफ की खेती कितने लोग मोटा मोटा करते हो? लमसम सब आ गया, सभी करते हैं, सभी करते हैं, देखो आम सामने है, सब देख, सब जहाँ जाके देखो तुम सब में मजबूत है। ये कितने सालों से हो रहा है ये सौंफ की? समझ लो 5 साल से हो गया। अच्छा, ये लोग फिर गाँव वाले कहाँ से पता लगा कि ये भी एक अच्छा क्रॉप है, इसको भी करना चाहिए? वो जो हमारा कांधा है ना खेडूत फार्म है उसे, वहाँ से हमको मिला था। वो केवीके है क्या? कृषि विकास केंद्र, किसान विकास केंद्र कांधा सर। अच्छा, तो गवर्नमेंट प्रमोट करती है क्रॉप के बारे में? ये करो ये करो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना है, कितना हमारा है? 3 भाई है साहब, तीनों के पास 50-50 जमीन है, 50 एकड़ करके 50 बीघा, 50 बीघा, हाँ जी 50 बीघा तीनों भाई का, मतलब 150 बीघा का जमीन है। 150 बीघा में क्या क्या खेती होती है? तीनों तीन फसल होती है साहब, चौमासा में होती है कपास होती है, अभी समझ लो सियाड़ू पाक में बाजरी गेहूँ वरियाली जीरू सब होता है, जीरा फिर सौंफ फिर बाजरी फिर गेहूँ, गेहूँ सब होता है, सब होता है। तो 50 बीघा में आपने अपना खेत में कितना सौंफ किया है? 30 बीघा का किया है, 30 बीघा का, हाँ जी। तो ये 3-4 जो क्रॉप है, हाँ, बाजरा गेहूं राई राई फिर सौंफ, हाँ, इसमें सबसे इनकम ज्यादा किसमें होता है? सौंफ में सर, सौंफ में ज्यादा, हाँ, होता है। लेबर का कोई प्रॉब्लम होता नहीं? लेबर का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो किसान भाइयों, आपने देखा हम राजू भाई के साथ बात कर रहे थे, राजू भाई के पास 30 बीघा का जमीन है, 30 बीघा मोटा मोटा पकड़ लीजिए 12 एकड़, और एक एकड़ में उनकी टोटल इनकम होती है 65,000 के करीब, 65,000 में उनका खर्चा होता है 12 से 15,000, तो नेट इनकम हो गया मोटा मोटा पकड़ लो आप 50,000, 30 बीघा 12 एकड़ अगर पकड़ो तो 50,000 के हिसाब से उनका 6 लाख का इनकम हो जाता है, और 6 लाख का इनकम आप पकड़ लो ये 150 दिन में होता है, दिवाली के आसपास इनकी सीडिंग होती है और 5 महीने के बाद इसका हार्वेस्ट होता है, 2.5 महीने में जैसे उन्होंने बोला कि फूल आ जाते हैं फिर हार्वेस्ट का शुरू होता है, और इस गांव में वो बोल रहे थे कि हर कोई किसान करते हैं, 6000 फैमिली है करते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि ड्रिप इरिगेशन में जो जिस खेत में मैं खड़ा हूँ, जिसका आप हाइट भी देख रहे हो, इसका हाइट एटलीस्ट 1 से 1.5 फुट ज़्यादा है, एंड इसके जो फ्लावरिंग का जो कैनोपी है ये कैनोपी भी ज़्यादा है, और फ्लावरिंग का जो देख रहा हूँ इसका क्वालिटी भी ज़्यादा है, इसमें वीड कम लगता है, पानी कम लगता है, मजदूरी कम लगता है, तो खर्चा भी कम है, और हम जो हिसाब करके देख रहे थे कि इसमें एटलीस्ट 25 से 30% का यील्ड बढ़ जाता है। तो अगर मैं खर्चा के हिसाब से बताऊँ तो मोटा मोटा पकड़ लो 15,000 का इनकम, 15 से 17,000 का इनकम बढ़ जाता है, तो जो खर्चा होता है 12 से 15,000 वो खर्चा को आप ड्रिप इरिगेशन से अगर लगाओ तो वो एडिशनल बेनिफिट हो जाता है, तो नेट आप पकड़ लो कि ड्रिप इरिगेशन में 65,000 का 1 एकड़ में इनकम हो जाता है। इसी सिलसिले में थोड़ा हम लोग किसान भाइयों ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात किसान भाइयों को ड्रिप इरिगेशन प्रमोट करने के लिए क्या करती है। हमारे साथ आज हैं रसिक जी, रसिक जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए क्या करती है, इनके बारे में थोड़ा जानकारी दें, क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कहाँ पे जमा करना पड़ता है, कितने दिन में ड्रिप इरिगेशन की सब्सिडी मिलती है, इसमें खर्चा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करने के लिए मैं रसिक जी को आग्रह करूँगा। जी नमस्कार। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ड्रिप इरिगेशन लगाया हुआ है जो कनेल क्रॉप है सॉफ्ट क्रॉप में, तो इसका जो डिस्टेंस है ये रो टू रो 4 फीट का है, और प्लांट टू प्लांट है उसको लगभग हम बोल सकते हैं कि 0.30 सेंटीमीटर, मतलब 1 फीट पे प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस उसका रखा जाता है। तो अगर इसमें ड्रिप इरिगेशन अपने को लगाना है तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात GGRC में अपने को सब्सिडी का बेनिफिट मिलता है हर एक फार्मर को, तो उस हिसाब से हर एक फार्मर को एवरेज 70% सब्सिडी मिलती है, और 70% सब्सिडी मिलने एडवांस में फार्मर को बात किया जाता है, तो 30% प्लस GST जो भरना पड़ता है फार्मर को, उसका अगर मैं खर्चा बताऊं तो फार्मर को लगभग 1 एकड़ में 25,000 रुपया फार्मर शेयर भरना पड़ेगा, फार्मर डाउन पेमेंट सब्सिडी बात करके, तो 1 एकड़ में 25,000 रुपया में ये फनेल में ड्रिप इरीगेशन लगा सकते हैं।
उसका सब्सिडी का जो प्रोसेस है जीजीआरसी के अंदर, तो उसके लिए फार्मर को उसका रेवेन्यू डॉक्यूमेंट जैसे कि 7/12 उसका इलेक्ट्रिकल लाइट बिल का जेरोक्स है, उसका आधार कार्ड का कॉपी है और उसका बैंक अकाउंट का पासबुक का एक कॉपी जो बैंक अकाउंट के लिए चाहिए डीबीटी के लिए, इतना डॉक्यूमेंट चाहिए। वो एप्लीकेशन कंपनी के इंजीनियर आएगा, सर्वे डिजाइन कोटेशन बना के उसको फार्मर को सबमिट करेगा, उसका डॉक्यूमेंट जीजीआरसी में अपलोडिंग किया जाएगा और उसके बाद में जो उसका वर्क ऑर्डर निकलेगा, ट्राईपार्टी होगा, एवरीथिंग सब कुछ हम कंपनी वाले उसको सपोर्ट करते हैं सब्सिडी पास करने का, और सब्सिडी पास होने का बहुत ही गारंटी कंपनी वाले देते हैं ताकि फार्मर को इजीली आसानी से घर बैठे सब्सिडी का बेनिफिट भी मिले और आसानी से वो 25,000 रुपये एक एकड़ के अंदर ड्रिप इरिगेशन भी लगा सकता है। इसमें जो ड्रिप इरिगेशन लगाएगा उसमें हम प्रीमियर इरिगेशन जो सजेस्ट कर रहे हैं कि एक 16 mm या तो 20 mm जिसमें 2 LPH का ड्रिपर हो और 2 ड्रिपर के बीच में 40 cm का स्पेसिंग हो, ऐसी ड्रिप लाइन हम सजेस्ट कर रहे हैं ताकि वो शॉप में भी चलेगी और उसके साथ साथ उसको जो दूसरा पैरेलल अल्टरनेट क्रॉप लेना है जैसे कि कॉटन है, देन मस्टार्ड है या तो कोई फॉडर क्रॉप है, उसमें भी उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक एकड़ में अगर ड्रिप इरीगेशन लगाना है तो 25,000 का खर्चा होगा, और जैसे हमने अभी बात किया कि अगर ड्रिप इरीगेशन लगाते हैं फ्लड इरीगेशन की कंपेरिजन में, तो फार्मर को सिर्फ ये सॉफ्ट के क्रॉप के अंदर 20-25% प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ता है। इसका मतलब है लगभग 20-25, मतलब एक एकड़ का अगर पकड़ते हैं तो एक एकड़ में फार्मर को लगभग 15,000 का ज़्यादा उत्पादन होता है। 15,000 का ज़्यादा उत्पादन होता है, उसके सामने फार्मर को एक एकड़ में 25,000 का एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट है, एक खर्चा है। वो सिस्टम ड्रिप इरीगेशन फार्मर 10 साल तक चला सकता है और अदर क्रॉप में जिसे दूसरी सीजन में भी चला सकता है, खरीफ में भी चला सकता है। अगर ऐसे देखें तो 10 साल तक ये सिस्टम चलती है, मतलब 20 सीजन फार्मर ले सकता है। एक सीजन का 25,000 रुपये का खर्चा करके फार्मर को 15,000 का बेनिफिट एक साल में मिल जाता है। ऐसे 2 सीजन अगर एक साल की पकड़ेंगे तो एक साल के अंदर फार्मर को खेत को उस ड्रिप इरीगेशन का पूरा खर्चा निकल जाएगा और 9 साल तक, बाकी का 9 साल तक वो ड्रिप इरीगेशन का बेनिफिट का ज़्यादा उत्पादन लेने का फ़ायदा ले सकता है। आपने सुना रसिक भाई से कि 25,000 का खर्चा है एक एकड़ में, और रसिक भाई ये बोल रहे थे कि 2 सीजन में इसका पैसा उड़ जाता है। इसका हिसाब अगर आप क्रॉप के बेसिस में करें, जैसे हमने देखा कि इस एरिया में सौंफ लगती है जो 5 महीने की है, और उसके बाद कॉटन लगता है, कपास लगता है जो कि 6 महीने का है। 10 साल का अगर मैं हिसाब करूं, अगर सिर्फ सौंफ के बारे में हिसाब करूं, तो 25,000 का खर्चा एक साल में सिर्फ 2,500 का है, और अगर मैं साथ में कपास के बारे में बात करूँ तो 2,500 का भी खर्चा आधा आधा हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ सौंफ लगा के जो 15,000 का नेट इनकम है उसमें सिर्फ 2,500 का लग रहा है ड्रिप, और साथ में अगर कपास करते हैं तो वो 2,500 के जगह में 1,000-1,200 का खर्चा है। तो ये बहुत प्रॉफिटेबल है ड्रिप, और इसीलिए शायद इस गांव में हर कोई किसान जानता है कि कौन सा प्रॉफिटेबल क्रॉप लगाना है, एंड इसीलिए इतना सौंफ की खेती होती है। मुझे लगता है कि जो चलो बनाए मिट्टी सोना के बारे में हम लोग बात करते हैं, आज के खेड़ूत, आज के किसान भाई इसकी पूरी जानकारी रखते हैं और अपने मिट्टी से कैसे सोना निकालना जाता है वो अच्छी तरह से जानते हैं। हम खुशनसीब हैं प्रीमियर इरिगेशन से कि हमारे साथ ऐसे किसान भाई जुड़े हुए हैं।